close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. बार बार लॉकडाउन लगता रहता है, एंड जो भी लोग जिम सेंटर्स वगैरह जाते होंगे तो उनको ये चीज़ पता होगी कि बार बार मेंबरशिप लैप्स हो जाती है, ठीक है। मैं जब जयपुर में था उस टाइम मेरी मेंबरशिप लैप्स हो गई, जब मैं कोटा में आया मैंने फिर से एक जिम ऑप्ट करा, जब मैं वर्क फ्रॉम होम के लिए आया फिर से लॉकडाउन लगा, फिर से मेरी मेंबरशिप लैप्स हो गई। और उसके बाद दिस इज़ द थर्ड टाइम जब 5th अप्रैल को गवर्नमेंट की तरफ से जिम्स वापस से क्लोज हो गए थे। आई टुक अ मेंबरशिप ऑफ 6 मंथ्स, 3 मंथ्स में वर्कआउट कर चुका था, लेकिन फिर से मुझे ऐसा लगा कि ये जो बाकी के बचे हुए 3 मंथ्स है ये भी लैप्स हो जाएंगे एंड द अमाउंट विल गो इन वेन। बट रिसेंटली लाइक जब मैंने 2 दिन पहले जिम वापस आना स्टार्ट करा तो आई गॉट टू नो दैट फिटेक्स ने अपने मेंबर्स के लिए जो 3 महीने का जो ये लॉकडाउन पीरियड था वो पूरा का पूरा एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग रियली गुड, मतलब मेरे को ये चीज़ पता नहीं थी कि ऐसा कुछ होता है, और वो इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना मुझे ये चीज़ सुन के कि एटलीस्ट सर इस बार के लिए तो वेस्टेज नहीं होगा। एंड होपफुली आई विल ट्राई कि मैं एक बार यहाँ के जो जिम चेन है, जो फिटेक्स की जो जिम चेन है उनके जो ओनर है, अगर वो मेरे से बात करते हैं तो ही वॉज हियर ओनली, मैं एक बार ट्राई करूँगा कि वो बात करने के लिए राज़ी होते हैं क्या। एंड लाइक आई वुड लाइक टू नो द व्यूज़, आई डोंट नो विच स्ट्रैटेजी या फिर क्या क्या चीज़ सोच के उन्होंने ये चीज़ कराया, बट दिस इज़ रियली समथिंग बेनिफिशियल, ठीक है। और मैं उनसे ये भी चीज़ पूछूंगा, अगर फ्यूचर में लॉकडाउन लग जाता है और कोई ये वीडियो देख के यहाँ पे इस जिम में आके मेंबरशिप ले लेता है तो आप एक्सटेंड करोगे या नहीं करोगे, बिकॉज दिस इज़ अ इनसिक्योरिटी। हर कोई आके 1 साल की मेंबरशिप नहीं लेता है, कुछ कुछ लोग छोटे छोटे पीरियड की भी लेते हैं और उनके मन में ज़रूर ये इनसिक्योरिटी आएगी कि मेंबरशिप एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। सो वी विल आस्क दैट आउट, बट फॉर नाउ लाइक दिस इज़ द बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस आई हैव एवर फेस्ड इन अ जिम, सो आई हाईली रिकमेंड इट फॉर नाउ। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट, मैं किसी और जिम को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ कि ये अच्छा है, ये बेकार है, ये है वो है, बस मैं अपना खुद का कस्टमर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से पिछले 9 महीने से इनका कस्टमर रह चुका हूँ, तो आई नो लाइक वॉट इज़ गोइंग ऑन यहाँ पे। तो एटलीस्ट सो गाइज वी ऑल्सो हैव द ओनर ऑफ द जिम मिस्टर सुधीर जैन। तो सुधीर भैया, मतलब जनरली क्या होता है कि जिम्स वाले ना इतनी सुनते नहीं हैं, आपके दिमाग में ये कैसे आया कि आप ये मतलब लॉकडाउन वाला जो है ये एक्सटेंड कर दोगे अपने कस्टमर्स के लिए? वी आर इन अ सर्विस सेक्टर, ठीक है, और हम देखो एक होता है ना कस्टमर भगवान होता है, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है। अब हमारी तरफ से हम जितना कर सकते हैं हम वो कर सकते हैं। देखो ये लॉकडाउन, ये कोविड सबके लिए एक मतलब बहुत हार्ड टाइम है, तो इस टाइम पे हमें भी बहुत सारी चीज़ें फेस करने को पड़ी। हम जैसे लोगों ने अपना पूरा वर्कआउट मिस करा है, सब कुछ मिस करा है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट हम नहीं चाहते थे कि हाँ यार लोग अब जब आए उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो गई हो, वो फिर एक होता है ना फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर पड़ जाए,
फिर उनको रिन्यूअल कराना पड़ता है, तो फिर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस चीज़ से कि यार मेरी फीस लैप्स हो गई। जैसे काफ़ी सारे जिमों ने नहीं करा, मतलब ऑलमोस्ट शायद कोटा में शायद किसी जिम ने 3 मंथ्स का आपको एक्सटेंशन नहीं दिया। हमने बस ये सोचा कि यार हमारे किसी क्लाइंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं पड़े, जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं हमारे क्लाइंट को एक अच्छी फिटनेस के लिए, क्योंकि देखो इस टाइम पे एक हेल्थ फिटनेस एक आपका ये चीज़ बहुत ज़रूरी है फॉर टू मतलब फाइट अगेंस्ट कोविड, हमें बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ मुझे ऐसी लगती है, जैसे क्या अब अगर कोई भी मेंबरशिप लेगा ना तो वो डरेगा कि यार लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर से मैं लास्ट बार भी जब लॉकडाउन लगा था तो 4 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया था, उस टाइम पे भी दिया था। तो मतलब अगर अब कोई भी यहाँ पे आता है तो वो सिक्योर फील करेगा कि अगर लॉकडाउन वगैरह लगता है तो हमेशा। हमने इवन जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 5th of April को इन राजस्थान कि भाई लॉकडाउन मतलब जिम्स बंद रहेंगे, हमने सेम डे सबको मैसेज कर दिया था कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक जिम ओपन नहीं होते तब तक आपका एक्सटेंशन है। क्योंकि किसी को पता नहीं था कि कितने दिन लगे, 1 महीना हो 2 महीना हो 3 महीने हो, बट हमने यही था कि हमने शुरुआत से कि भाई आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक कर जाते हैं। अब जैसे कुछ लोग होते हैं उन्होंने रिसेंटली मेंबरशिप ली है, भाई मार्च एंड में मेंबरशिप ली हो है ना, अब उनका होता है यार मैं तो जिम ही नहीं गया और 3 महीने की मेंबरशिप ली पूरी ख़त्म हो गई, तो हम नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा फील करे, कोई पैनिक हो। और जो मैंने फील करा वही मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे जो कस्टमर हैं उनको जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी उनको फेस करी। और ये वीडियो नॉन स्पॉन्सर्ड है, एक बार आप खुद बता दो, कहीं एक तो ये लोग सोचे मेरी वीडियो के बाद कि इन्होंने पैसे वैसे खिलाए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम कहीं पे भी कोई स्पॉन्सरशिप करते ही नहीं, मैं आपको फैक्ट बता दूं। इवन मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर हम आपको ये कर देंगे, ये वहाँ पे वो डाल देते हैं, आपको ये प्राइस दे देते हैं। इवन बहुत सारों का आया कि आपको बेस्ट जिम का हम प्राइस दिलवा देते हैं, टॉप पे कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा देखो मेरे लिए अर्न वो होगा जो रियलिटी होगा, तो मतलब ये भी होता है बाजार में। हाँ बाजार में बहुत कुछ होता है। अरे यार हमारे पास इवन कॉल्स आते हैं इस चीज़ के लिए, बट मैं साफ मेरा वर्ड ये रहता है, मैंने कहा देखो अगर मेरे को अच्छा होना होगा तो मेरे कस्टमर मुझे अपने आप अच्छा बना देंगे। सही बात है यार, मैं पैसे देके कुछ नहीं करना चाहता इस तरीके से। थैंक यू सो मच, देर भी आपको थैंक यू। वेलकम टू आर वीडियो। हम वहाँ पे गए थे, क्या बोलते हैं, कहाँ गए थे अपन घूमने, पहाड़ हजार तो पहाड़ हजार वाला ब्लॉग भी हम आ चुके हैं फिटनेस जिम घुमान। हमारे साथ हैं आशीष जी आड़ा जो डांसर, इधर है आशीष जी आड़ा जो डांसर है, बहुत खतरनाक डांस करते हैं, योगा आर्टिस्ट है, अनशन आर्टिस्ट है। अपने शरीर को अनशन तरीके से मोड़ लेते हैं लेकिन वर्कआउट अच्छा करते हैं ये, मैंने देखा है। क्या नहीं, क्या क्या कह रहे हो मैम आप, बता दो क्या कह रहे हो। ये वाला नहीं लेना, नहीं लेना, ये उसमें जाएगा बिहाइंड द सीन्स में। सो गाइज आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड देर इज सम मोर अमेजिंग कंटेंट जो कि मेरे चैनल पे आने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन और सब्सक्राइब द चैनल, ताकि जब भी कभी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको सबसे पहले देख सकते हो। और बाकी तो सही चल रही है ज़िंदगी, आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स, आप भी थोड़े से एफर्ट्स डाल देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। प्लीज़ लेट मी नो योर व्यूज़ इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर यू वॉन्ट मी टू मेक वीडियो ऑन सम टॉपिक, बिकॉज आई एड्रेस देम ऑल, ठीक है, क्योंकि आई वॉन्ट दैट आई फुलफिल द नीड्स ऑफ माई व्यूअर्स। एंड लाइक दिस इज़ ऑल फॉर टूडे, एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। Man, I went from a bag to a bag to a bag. I remember me and mama used to ride the cab. Pull up out the lot, no more lease, we pay cash. Show up to a crib, had the keys to a Jag. That's that light work, flexing so much it hurt. Used to rock hand-me-downs, now Versace.